दरअसल प्रियंका ने 2022 के लिए महिला कार्ड खेला है, जिसके लिए वो लगातार यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस के आखिरी किले को बचाने के लिए प्रियंका गांधी ने रायबरेली में हुंकार भरी। यहां पर प्रियंका ने आधी आबादी की बात करते हुए कांग्रेस में नया जोश भरा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आधी आबादी की बात कर रही प्रियंका को चुनाव में क्या महिलाओं का साथ मिलेगा? रायबरेली में प्रियंका की शक्ति प्रतिज्ञा, आधी आबादी की बात, महिलाएं देंगी प्रियंका का साथ। लड़ाई यूपी की, लक्ष्य लखनऊ की गद्दी है और हथियार वो लड़कियां हैं जिनके सहारे प्रियंका गांधी वाड्रा 32 साल का सूखा खत्म करना चाहती हैं और मुरझाई हुई कांग्रेस में नई जान भरना चाहती हैं। कुछ इसी मंशा को लेकर प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने नारी शक्ति में नई जान फूंकते हुए प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे को बुलंद दोहराया। मैं लड़की हूँ और जोर से, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। लेकिन सबसे पहले प्रियंका हनुमान मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हालांकि प्रियंका से पहले अखिलेश यादव भी रायबरेली आए थे तो हनुमान मंदिर के दर्शन करने गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 22 की चुनावी जंग में बजरंग बली आखिर किसका बेड़ा पार करेंगे। वैसे प्रियंका गांधी के कांधों पर कांग्रेस के इस आखिरी किले को बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2017 में रायबरेली में कांग्रेस के जो दो विधायक जीतकर आए थे वो दोनों ही पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब कांग्रेस को फिर से नए स्तर पर खड़े करने की जिम्मेदारी प्रियंका के कांधों पर है। लेकिन प्रियंका को जितनी टक्कर भाजपा से मिल रही है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अखिलेश यादव पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी दो दिन तक अखिलेश यादव रायबरेली की हर सीट पर अपना रथ लेकर घूमे। अखिलेश ने ऐलान किया है कि वो इस बार हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीटें छोड़ी थी और हमेशा छोड़ते आए हैं, लेकिन विधानसभा हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है। तो ये चुनाव विधानसभा का है और विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी सीटों पर लड़ेगी। ये विधानसभा का चुनाव ही लोकसभा का चुनाव नहीं है। हालांकि प्रियंका को आधी आबादी पर भरोसा है, क्योंकि वो जहां जा रही हैं महिला शक्ति में जान भरने की बात दोहरा रही हैं। जो महिलाओं के काम की बात है वो होती नहीं है। महिला आधी आबादी है, बहुत समझदार होती है, बहुत विवेक होता है महिला में। मैंने कहा आपका जीवन संघर्षमय है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी शक्ति को न पहचाने, इसका मतलब नहीं है कि आप चुप होकर सब कुछ सहें। अब महिलाएं खड़ी हो गई हैं, सबने देख लिया है। आप जहां भी जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, आपको लड़की हूं लड़ सकती हूं सुनाई दे रहा है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने, फ्री स्कूटी, मुफ्त सिलेंडर जैसे वादे महिलाओं को ध्यान में रखकर ही किए हैं। अभी शनिवार को प्रियंका ने अमेठी में राहुल गांधी के साथ मिलकर पद यात्रा निकाली थी। जानकारों की माने तो प्रियंका का फोकस यूपी के उन जिलों पर जहां कांग्रेस मजबूत रही है, बस कुछ जोर लगाने की जरूरत है। लेकिन क्या प्रियंका गांधी आधी आबादी को साध कर कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएंगी? क्योंकि जमीन पर लड़ाई सपा बनाम भाजपा ही नजर आ रही है और कांग्रेस इसमें बसपा से भी पीछे नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।